गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टैंडर्ड फिफ्थ का पीरियड 17 है। मैंने लास्ट में आपको ये लेसन सिखाया था पक्षियों की दुनिया। ओके, मैं आपको फिर से ये लेसन पे लेके जाऊंगी क्योंकि कुछ कुछ मेरा भी सिखाने में शायद कुछ मिस्टेक हो गया था, मैं फिर से सिखाऊंगी इसमें बच्चों। जब आई राइट हियर लेसन नंबर 7 पक्षियों की दुनिया। ठीक है, सेकंड टाइम ये पीरियड ले रही है मैं बच्चों। जब रोज सुबह तुम उठते हो तो अपने घर के आसपास बहुत से रंग बिरंगी पक्षियों को देखते होंगे। बहुत सारे बर्ड्स हमारे आसपास हम मॉर्निंग में देखते हैं तो चिंग चूं ची ची ऐसे आवाज आता है, हम लोग देखते हैं। उसमें से कई रंग नीला, किसी का पीला तो किसी का हरा होता है। कोई पक्षी का कलर काला होता है, जैसे कौवे का काला होता है, तोते का हरा होता है, चिड़िया का भूरा होता है, वैसे अलग अलग रंग के होते हैं। कोई पक्षी अपना घोंसला तिनके से बनाता है तो कोई सिलकर, कोई नील गगन में ऊंची उड़ान भर सकता है तो कोई थोड़ी सी, कोई पक्षी बहुत ऊपर तक उड़ता है, कोई पक्षी ज्यादा उड़ नहीं सकता है अपनी बॉडी हेवी की वजह से या अपने आकार की वजह से, वो ज्यादा और आकाश में ऊंचाई तक वो नहीं उड़ सकता है। आज हम हुदहुद और कठफोड़े फोड़वे के बारे में कुछ जानेंगे। हुदहुद संसार का एक ऐसा पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। हुदहुद कैसा पक्षी है? सुंदरता के लिए वो जाना जाता है। इसके शरीर पे सबसे सुंदर भाग इसके शरीर की कलकी है। कलकी मीन्स अपने सिर का जो पोर्शन रहता है उसका। वो अधिकतर वो अपनी कलकी को समेट कर रखता है। समेट कर मतलब ऐसे एब्जॉर्ब करके, जैसे मोर भी अपना चलता है ना तो अपने पंख को समेट के चलता है, लेकिन जब खुश होता है और वो डांस करता है बारिश में तो अपना फेदर को पूरा स्प्रेड करता है। परंतु जैसे ही इसकी कोई आवाज सुनाई देती तो चौकन्ना हो जाता है और अपने पैरों को फैला लेता है। चौकन्ना हो जाता है मतलब कोई साउंड उसको आवाज सुनाई देती है तो वो झट से ऐसे ऐसे देखते हैं ना, क्या हो गया क्या हो गया, ऐसे वो कलकी को गोल सुंदर पंख बना लेता है। कलकी मतलब अपना जो ये रहता है ना, ऐसे पूरा अच्छा से पंख बना लेता है। हुदहुद के शरीर का आकार लगभग मैना जैसा होता है। वैसे तो इसका पूरा शरीर रंग बिरंगी और चटकीला होता है, परंतु काले पंखों पर जेबरा जैसी धारियां होती है। उसके जो पीछे के फेदर रहते हैं उसमें ऐसे ब्लैक कलर का लाइनिंग रहता है, जेब्रा टाइप। गर्दन का रंग बादामी होता है, नेक का कलर है वो बादामी कलर होता है, मगर उसके सिर काले और सफेद जैसे होते हैं। उसका जो हेड रहता है वो काला और सफेद रहता है। हुदहुद पूरे भारत में पाया जाता है। इसे बगीचे और हरी घास के मैदान में रहना अच्छा लगता है। इसको कहाँ पे रहना अच्छा लगता है, क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है मैदान में और हरी घास में। हुदहुद ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता, कई बार तो वो फुदक फुदक कर चलता है। इसकी चोंच पतली लंबी तथा तीखी होती है। इसकी चोंच कैसी होती है? पतली लंबी और तीखी। पतली मीन्स पतला, छोटा, लंबी मीन्स लॉन्ग और कैसी होती है? तीखी मतलब पॉइंटेड, जिससे वह आसानी से मिट्टी को खोदकर कीड़े मकोड़े ढूंढकर खाता है। जिससे वो चोंच के कारण कीड़े मकोड़े खोद खोद के खा लेता है। इससे भोजन का मुख्य रूप से कीड़े मकोड़े और अंडे होते हैं। उसका मेन खाना ही वही है, कीड़ा मकोड़ा अंडा ये सब। हुदहुद की आवाज बहुत सुरीली होती है, बोलते समय वो फुक की आवाज निकालता है। हुदहुद एक आलसी पक्षी है। आलसी मीन्स लेजी है। वो जो है ना बर्ड, वो एकदम लेजी है। वो फटाफट ऐसे उड़ती है उड़ती है ऐसे ऐसे नहीं करती है। वो अपना घोंसला कभी कभी पेड़ पर, कभी छतों पे, कभी छेद में, कभी इमारतों की दीवारों पे बना लेता है। वो किधर भी अपना घर बना लेता है। उसका कुछ पर्टिकुलर घर नहीं है कि वो यहीं पे बनाता है।
घोंसला बनाने में हुदुद का कोई विशेष मेहनत नहीं लेता है, वो कोई हेल्प मेहनत करता नहीं है, कोई मतलब ऐसे काम नहीं करता है कि यहाँ से उठा के वहाँ गए, वहाँ से उठा के, ऐसा कुछ करता नहीं है। वो अपने घोंसले को कभी सफाई नहीं करता, इसलिए इसका घोंसला गंदगी और बदबू से भरा रहता है। वो क्या करता है, अपने अपना जो घर रहता है उसका घोंसला बना हुआ रहता है, उसको साफ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, इसलिए उसके घर में गंदी बाज भी साथी रहती है। मादा हुदुद तीन से दस अंडे तक देती है। मादा मतलब लेडीज हुदुद देती है, वो जो मादा कहते हैं उसे, वो क्या करती है, 3 अंडा देती है या 10 अंडा देती है। जब तक अंडे बाहर से नहीं निकलते तो वो अपने अंडे में बैठी रहती है, जब तक वो अंडा पूरा वो बच्चे बाहर नहीं निकलते, जब तक वो उसके आसपास में ही रहती है। इसके अंडे सफेद होते हैं, इसका अंडे का कलर कौन सा होता है, सफेद मीन व्हाइट। हुदुद की सुंदर कलकी के कारण कुछ जगह लोगों में शाह सुलेमान की उपाधि दी है। हुदुद को कौन सी उपाधि दी है, अगर क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं शाह सुलेमान की, शाह सुलेमान की। कठफोड़वा एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, कठफोड़वा एक बहुत ही सुंदर पक्षी है, यह हमारे देश के सभी भागों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, भारतीय देशों में सभी जगह। कुछ कठफोड़वे घने जंगल में, कुछ स्थानों पर, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में और कुछ तराई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। कठफोड़वे को कई प्रकार के होते हैं, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई काला तो कोई पीला, अलग अलग कलर्स के होते हैं। कौन से कलर्स के होते हैं आपको पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। सभी कठफोड़वे को के अलग अलग नाम और विशेषताएं होती है, उसका सबका अलग अलग नाम होता है और अलग अलग उसका काम करने का तरीका भी होता है। कठफोड़वा को के शरीर का आकार भी मैना से मिलता जुलता रहता है। तोता मैना होता है, जैसे मैना कोयल उसका आकार भी रहता है, वैसे ही इसका भी आकार मतलब शेप उसका जैसा ही रहता है। इसके पूरे शरीर पर पीले काले रंग का बहुत सुंदर संयोजन रहता है। इसके शरीर पे कैसा रहता है, काले पीले रंग का रहता है। इसके निचले भाग में सफेद और काले रंग का रहता है, नीचे का भाग जो नीचे का पार्ट है उसका काले और व्हाइट कलर का रहता है। कठफोड़वे की चोंच मजबूत, मोटी और तीखी होती है। इसकी चोंच कैसे होती है, इसकी चोंच पतली नहीं होती, मजबूत, मोटी और तीखी रहती है। देखो चोंच पे भी डिफरेंट है कि नहीं, बराबर कि नहीं, पहले वाले का कैसा था, पतली नुकीली और पॉइंटेड रहती थी उसकी। पेड़ से ऊंचे तने पर ठक करने पर तनों की छल फोड़कर कीड़े काले चीते आदि बाहर निकलते हैं, तभी यह मजे पंजों को गहरी पकड़ के साथ बैठ जाता है। ये क्या करता है, अपना पंजा ऐसा पैर से स्प्रेड करके वो कहीं भी बैठता है अपने जगह पे। कठफोड़वे को पके केले का गूदा खाना अच्छा लगता है। केला पक जाता है, उसके बाद में जो उसका गूदा रहता है अंदर का, वो उसे खाना अच्छा लगता है। कठफोड़वे की आवाज तेज और कर्षण वाली होती है। उसकी आवाज कैसे हुदुद की ऐसे बोलता है, ये कैसे बोलते हैं, इसकी आवाज तेज और कर्षण वाली होती है। विशेषकर जब ये उड़ता है तो इसकी आवाज तीखी हो जाती है, विशेष करके ये जब उड़ता है तो उसकी आवाज तीखी हो जाती है। यह घोंसले बनाने में कोई विशेष मेहनत नहीं करता, ये भी सेम है, अपना घर बनाने में कोई विशेष मेहनत नहीं करता है, बल्कि पेड़ के कोटर या तने पर किसी अन्य पक्षी का घर खाली घोंसले का उपयोग कर लेता है। वो क्या करता है, पेड़ के कोटर मतलब कॉर्नर का जो हिस्सा रहता है, वो पेड़ का ही तना रहता है, उसके अंदर भी वो रह जाता है, या किसी का पक्षी होगा घोंसला खाली होता है वो उसमें भी रह जाता है। ठीक है, आपको मैंने ये सिखाया हुआ लेसन है, मैंने फिर से रिपीट किया है क्योंकि कुछ कुछ मुझे भी लगा था कि कुछ मेरा ऐसा बोलने में हो गया है। इसके लिए अभी आप देखिए, इसके अंदर शब्द लेखन लिखा हुआ है, श्रुत लेखन, घोंसला, हुदुद, कठफोड़वा, चौकन्ना, छटकीला, जेब्रा, उपाधि, संयोजक, कर्षण, मुख्य, बादामी, सुलेमान। ओके, शब्दार्थ है गगन, आकाश, स्काई, भाग, हिस्सा, पार्ट, अधिकतर, ज्यादातर, ऑफ्टेन, आलसी, काम न करने वाला, लेजी, मेहनत, परिश्रम, हार्डवर्क, उपाधि, पदवी। ठीक है, चौकन्ना होना, सावधान होना, आकार, आकृति, शेप्स,
तीखी तेज नुकीला शब्द, सुरीली मीठी आवाज। विशेषता खास बात, संयोजक मिला हुआ, मजबूत पक्का, कर्कश कठोर। हुदूद के शरीर का सबसे सुंदर भाग कौन सा है? हुदूद के सबसे सुंदर भाग है उसका, ऐसा पक्षी है कि सिर की कलकी। आपको क्वेश्चन आंसर सब आपको स्कूल से मिल जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ सही या गलत वाक्यों को सही चिन्ह लगाओ। हुदूद मेहनती पक्षी है क्या? नहीं है। हुदूद की आवाज सुरीली होती है क्या? नहीं। हुदूद की गर्दन का रंग चटकीला होता है क्या? हाँ। कंठफोड़ा घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करता है क्या? नहीं। हुदूद का घोंसला गंदगी और बदबू से भरा होता है क्या? हाँ। कंठफोड़े की चोंच मजबूत, मोटी और तीखी। हाँ, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ है, आपको ये व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। आपको पीछे का ये है, ये वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको बुक के अंदर ही पूरा फील करके आपको फोटोकॉपी इसका निकाल के मैं भेज दूंगी। ओके, थैंक यू।